अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे। जनाब दिन का आगाज़ हो चुका है और ये देखें, अभी पता नहीं इसमें कैमरे में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत स्मोग हुई हुई है और बच्चियाँ माशाल्लाह स्कूल के लिए निकल पड़ी हैं। और जनाब आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि सब बच्चों के जो जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके पेपर बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि आज मेरी भी बेटियों का पहला पेपर है और अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे। और जनाब बस दिन का आगाज़ हो चुका है, बच्चियां जा रही हैं और अभी हस्बैंड मेरे खास गाड़ी भी स्टार्ट की है, अभी निकले नहीं। तो जनाब मैं अपनी रूटीन में सारे काम काज करूँगी और आज तो मेरे घर में बहुत ही गंद खिलारा और बस मैसी मैसी हुआ हुआ है। यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर मैंने आज शीट्स चेंज करनी थी बेड की, तो मैंने ये देखें ये वाली मैंने कर दी है। ये देखें जनाब, ये असल में मेरा स्लाइडिंग है, एक बेड ऊपर और उसके अंडर ही दूसरा बेड है जहाँ पर मेरी बड़ी बेटी सोती है। सारा यहाँ सोती है और आमीन और जैनब वहाँ सोते हैं। तो जनाब इसकी मैंने शीट चेंज कर दी थी क्योंकि सबसे पहले सारा उठ गई थी, तो यहाँ से भी मैं आपको मैंने कहा एंगल दिखा दूँ। ये देखें जी, और ये इतना कन्वीनियंट लगता है और इतना ये स्पेशियस है जनाब कि आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। आपने जब सोना है तो निकाल लेना है और जब आपने इसको अंदर करना है तो ये देखें जनाब आराम से अंदर भी हो जाता है। ये देखें, अभी मैं आपको अंदर करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें, देखें कैसा गायब हो गया। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है और नीचे की शीट चेंज कर ली है, ऊपर की रह गई है ये करनी है, यहाँ ये चीज़ें समेटनी है। और देखें पीछे बच्चों ने अपनी टेबल पे भी क्या खिचड़ी मचाई है। और जनाब कल ये था कि कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे इकट्ठे हो गए हुए थे, मतलब तीन राउंड के कपड़े थे मेरे। और यहाँ पर आप देख लेंगे, देखें ज़रा ये कैसी खिचड़ी मची हुई है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे, बस जगह जगह कपड़े ही नज़र आ रहे होंगे भी इस वक्त आपको, यहाँ पर भी। और ये देखें यहाँ दरवाज़े पे, यहाँ डिस्पेंसर पे, यहाँ पे बस कपड़े कपड़े हुए हैं जनाब। तो इन सबको भी समेटते हैं और अब मैं यही सोच रही हूँ कि अपनी रूटीन कुछ इस तरह की रखूँ कि भाई सुबह सुबह ना कपड़े भी साथ धुल जाएँ ताकि ड्राई हो जाए टाइमली। और बस देख लें जनाब, स्टैंड नहीं अभी तक आया, तो बस दुआ करें स्टैंड आ जाए मेरा जल्दी से, या मेरे स्टैंड का मसला हल हो जाए। तो चलें जनाब मैं जल्दी से ये सारी चीज़ें समेटूं, ठीक है जी, क्योंकि बच्चियों को आज छुट्टी भी जल्दी हो जानी है, अभी 7:45 होने वाले हैं और 11 बजे इन लोगों ने माशाल्लाह से घर आ जाना है तीनों ने। तो मेरे कोशिश होगी और मेरा टारगेट होगा कि जनाब मैंने 11 बजे तक हर चीज़ अपनी कर लेनी है। और हेल्पर को भी मैंने कह दिया था कि भाई मुझे 11 बजे तक अपना पूरा घर साफ़ चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह टाइमली आ जाएगी। तो चलें जनाब, अब फर्दर टाइम नहीं वेस्ट करती मैं इतनी बातें करके, तो मैं ज़रा अपने काम कर लूँ और ये सारी चीज़ें समेटूँ जी। तो जनाब मैंने घर की सारी चीज़ें समेट ली थी, उसके बाद मैं आ गई किचन में और किचन में बर्तन धो रही थी तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं आपके साथ अपने किचन की जो सिंक की डीप क्लीनिंग है वो भी शेयर करती हूँ। ये मैं डेली नहीं करती, ये मंथ में मैं एक या दो दफ़ा करती हूँ। तो चलें जनाब ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप्स नज़र आ रहे होंगे पानी के सिंक में, जो आपको नज़र आ रहे हैं ये किस वजह से बनते हैं जनाब? ये बनते हैं ग्रीस और ऑयल वगैरह की वजह से, ठीक है जी। इसको भी क्लियर करेंगे। और जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये जो बड़े बारीक बारीक, ये डेली तो साफ़ नहीं होते हैं, आपको डेली आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि इनको आप करें, तो आज हम इसको भी क्लियर करेंगे। इसी तरह ये जो पीछे इनकी बैक पे ये जो एरिया है इसको भी करेंगे, और ये जहाँ पे मेरा स्पून होल्डर है तो इसको भी वॉश करेंगे अंदर से भी बाहर से भी। और ये आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं अपने किचन के सिंक की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। और ये जो वाली जो मैं आपको क्लीनिंग दिखा रही हूँ ये मैं मंथ में एक से दो दफ़ा करती हूँ। और सिंक की क्लीनिंग के साथ यहाँ पे टैप और इसका जो हैंडल है इसको भी क्लियर करेंगे, इसको भी नीट करेंगे, साफ़ करेंगे। तो चलें जनाब अब वीडियो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे जनाब पानी और इसको बॉईल करेंगे। ये मैं पहले भी अपनी किसी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये मेरी रूटीन है कि जो पानी बॉईल करके मैं डालती हूँ सिंक के अंदर, वो मेरी डेली की रूटीन है, ठीक है जी। और इससे होता ये है कि आपके ये जो पाइप्स होते हैं ड्रेनिंग, उनमें ब्लॉकेज नहीं होती है ग्रीस की या ऑयल की। तो ये एक आप रूटीन वैसे अपनी रखें कि ये डेली आप इसको पानी डालकर साफ़ किया करें। तो यहाँ पे जनाब अब मैं सर्फ डाल, तो कोई भी डिटर्जेंट आप ले लें जौन सा आपको कन्वीनियंट लगता है। तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप सिंक के अंदर भी फैला लें, जैसे कि मेरे दो सिंक हैं तो मैंने यहाँ पर भी ये देखें डिटर्जेंट डाल दिया है, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया है। और वो स्पंज जिससे हम नॉर्मली अपने ये डिश वॉशिंग करते हैं, ये वाला आप ले लें। ये देख के आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी कंपनी का या कौन सा है। तो बस आपने ये गर्म पानी पास रख लेना है और ये थोड़ा थोड़ा इसमें से ये गर्म पानी लेके आपने, ये देखें जनाब यहाँ पे भी मैंने सर्फ डाल दिया था और यहाँ पे ये जो टैप है उसका हैंडल, और ये देखें जी ये पाइप वगैरह सारे आपने अच्छी तरह से दबा दबा के आपने साफ़ करने हैं। ये जो स्पंज का ग्रीन वाला पॉइंट है, एरिया होता है, साइड है वो वाली, तो क्योंकि वो आपको पता है कि वो खुरदरा वगैरह होता है और वो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी से साफ़ कर देता है, इस पर कोई स्टेन वगैरह नहीं रहने देता। और आपको पानी के ड्रॉप्स का पता है कि वो जब खड़े हो जाएं कहीं पर रह जाएं तो वो कितने बुरे लगते हैं, तो ये बड़ी आराम से इनको क्लियर कर देता है। तो आपने सिंक के चारों तरफ अच्छी तरह से, ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ, आप लोग शायद मेरे से भी अच्छा करते हो मैं, लेकिन ना मेरी कोशिश ये होती है अपनी वीडियो में कि कोई एक आध चीज़ में ऐसी ऐड कर दूं कि उससे आपको कोई फ़ायदा मिल जाए, कोई टिप हो जाए, कोई हैक हो जाए। तो ये जो क्लीनिंग हो रही है जनाब, ये मैं मंथ में एक से दो दफ़ा करती हूँ। और ये देखें ये जो पाइप के ऊपर वाला साइड है, तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से कर दूँगी क्योंकि ये ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है अंदर से। वैसे तो आपको पता है कि जब भी आप डिश वॉशिंग करते हैं तो आप उसको डेली वो साफ़ तो करते हैं, तो लेकिन ये है कि एक दफ़ा अगर आप इसको, वैसे तो ये मैं ये समझती हूँ कि एक दफ़ा दिन में इस तरह से ये क्लीनिंग अच्छी तरह से हो जानी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हाउसवाइफ्स को इतनी सारी ड्यूटीज़ होती हैं घर में करने की कि वो इनके लिए अलहदा से टाइम निकालना पड़ता है। जैसे कि अभी इस वक्त मैं सिंक क्लीन कर रही हूँ तो इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ा। तो खैर जनाब, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि मंथ में कम से कम एक दो दफ़ा आप इसको कर लें। तो जनाब यहाँ पे ये मेरे पास ब्रशेस का पूरा सेट है, एक ये वाले मेरे पास ब्रेजल्स वाले ब्रशेस हैं, ये मैं सऊदीया से लाई थी, और ये जो तीन आपको नज़र आ रहे हैं इनके जो ब्रेजल्स हैं तीनों के डिफरेंट हैं, एक प्लास्टिक का है, एक नॉर्मल जो होते हैं वायर वाले वो हैं, और एक मेटल का है। तो मैं यहाँ पे ये मेटल वाला पकड़ूँगी, तो क्योंकि ये वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये वाला नहीं मैं इसके लिए लूँगी, मैं ये और ये वाला ये यूज़ करूँगी, और नॉर्मली ये वाला ब्रश जिससे मैं पूरे सिंक को ओवरऑल पूरा क्लीन करूँगी। तो जनाब ये देखें मैंने ये ब्रश ले लिया है, अभी ये मैंने नॉर्मल वाला लिया है, ठीक है। और ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि अभी मैंने ऐसे किया ही है और ये इसमें से कितना वो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं कि गंद निकल रहा है, क्योंकि आई थिंक इसके नीचे थोड़ी रस्टिंग भी हो गई है तो वो भी रिमूव हो जाती है इससे। तो ये देखें जनाब, ये आपने अच्छी तरह ना टाइम लगा के, ये नहीं है कि वो कहते हैं ना पंजाबी में मगरों लाया काम को, आपने मगरों नहीं लाना जनाब, आपने टाइम दे के इसकी क्लीनिंग करनी है। तो ये देखें जी, अब ये देखें ना, अब ये ऐसा काम है कि ये आप डेली करने बैठे हैं तो कितना टाइम ले लेता है, तो इसलिए, लेकिन चलें डेली ना सही, मंथ में एक दो दफ़ा तो आप इसको कर ही सकते हैं। तो ये देखें जनाब, इसको मैं अच्छी तरह से पूरी साइड्स वगैरह से क्लियर कर लूँगी। इसी तरह ये जो नीचे वाला पॉइंट मैंने आपको दिखाया था कि ये भी ब्राउन ब्राउन हो रहा था, तो ये भी अच्छी तरीके से हम, असल में ये जो डीप क्लीनिंग जब आप करने बैठते हैं ना किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोई सिंक है, वो आपका कुकिंग रेंज है, माइक्रोवेव है, आपकी हाउस की डीप क्लीनिंग है, आपके वॉशरूम की है, आपकी किसी भी पॉइंट को आप लेके जब डीप क्लीनिंग करने बैठते हैं ना, फिर आप उसकी बारीकी को समझते हैं और उसकी बारीकी को देखते हैं कि अच्छा ये तो यार यहाँ पर ये भी गंद इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर ये भी लगा होता है। हालाँकि नॉर्मल रूटीन में आप अपने
जो जो काम कर रहे हैं और जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं उस टाइम आपको नहीं पता चलता, लेकिन जब आप इस तरह डीप क्लीनिंग स्पेशली करने के लिए किसी भी एक पॉइंट को लेके बैठते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इसकी क्लीनिंग कितनी ज़रूरी है और इसमें कहाँ कहाँ गंद वगैरह या आप कह लें कि रस्टिंग भी हो जाती है जैसे ये आप देख रहे हैं इन पॉइंट्स पे, और कहाँ पे मैल कुचैल वगैरह ये लग जाता है। तो जनाब ये देखें, मैंने अपनी तरफ से तो जनाब सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं और अच्छी तरह से ब्रशिंग से, ये देखें ये भी साइड से। अभी यहाँ पर ये है कि मेरे हाथ में मतलब कैमरा है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, लेकिन व्यूवर्स आप लोगों के लिए भी मैंने कहा क्यों नहीं भी ये दिक्कत भी उठा लेते हैं। तो ये देखें जनाब, इसके अंदर ये आपको कॉर्नर्स, वैसे ये नीट रहता है, ये साफ़ ही होता है, क्योंकि यहाँ पे समझ लें दिन में कोई 10 से 12 दफ़ा तो पानी लगता ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे स्पून्स वगैरह में का होल्डर है जो वॉश करके मैं रखती हूँ, लेकिन फिर भी इसकी क्लीनिंग थोड़ी बहुत तो आपको पता है नज़र आ ही रही है कि थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हुआ हुआ है, तो वो भी हम अच्छी तरह से कर लेंगे। जनाब ये देखें, अंदर तक मैंने इसको अच्छी तरह से नीट कर लिया। इसको मैं बाहर निकाल नहीं सकती क्योंकि नीचे से जो पाइप है वो अटैच हुआ हुआ है जहाँ से पानी ड्रेन होता है, तो वो टूट ना जाए इसलिए। और यहाँ पे जनाब ये देखें, अब ये जो है जहाँ से ये हमारा पानी का पाइप आ रहा है उसके भी जो ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये भी देखें। अब आप देखें ना, अब आप जब इसकी डीप क्लीनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं और कर रहे हैं तो आपके आंखों के आगे आपकी नज़र में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे होते हैं जो नॉर्मल रूटीन में आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते इसके ऊपर। तो जनाब ये देखें, इनको भी मैं ब्रशेस से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी कि कोई भी पॉइंट रह ना जाए। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। और ये देखें जी, ये अच्छी तरह मैंने कर ली है। दोबारा से मैं ज़रा एक दफ़ा फिर ये ब्रश वगैरह मारूँ। अब ये मैंने बड़ा वाला ब्रश पकड़ लिया है जो नॉर्मली आप ये देखें ये सिंक में मारती हूँ। ये वाला जो ब्रश मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ ना ये मारते हुए, ये मैं आए दिन करती रहती हूँ, ये ब्रश मैं यूज़ करती हूँ एक दफ़ा। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी भी थोड़ी चीज़ें सही करूँ, कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, तो ये जो मैं कहती हूँ ना अच्छा एक दो दिन में कर लें या मैं इस तरह से करती हूँ या इस तरह, अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा अपने अंदर अब ये हैबिट्स को डेवलप करूँ कि जैसे अब ये ब्रश से मैंने सिंक को क्लियर किया है तो ये जो बड़ा वाला ब्रश है तो इतना तो आप डेली कर ही सकते हैं, तो ये होना भी चाहिए। तो जनाब यहाँ पे वो जो पानी मैंने बॉयल किया था वो मैं यहाँ ड्रेनिंग पाइप्स में डाल रही हूँ। पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके ये आपको बेनिफिट है कि आपके पाइप में कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये देखें जनाब, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। ये आप देख रहे हैं अंदर ये कितना ग्रीसी हुआ हुआ है और ये ब्राउन, ग्रीसी नहीं है ये एक्चुअली, ये आपको पता है कि मिट्टी वगैरह या नॉर्मली यहाँ पे देखें ना डिश वॉशिंग होती है तो ये थोड़ा बहुत गन वगैरह लगता है, तो इसीलिए मैं इसमें डेली गर्म पानी डाल देती हूँ ताकि ब्लॉकेज ना हो। और लेकिन ये ब्रश से ये देखें जनाब, ये ब्रश से भी मैं करूँगी तो ये बहुत ही अच्छी तरह हो जाएगा। बस कोशिश ये जाएगा ब्रश पाइप में ही ना चला जाए, नहीं तो आपकी जान को मुसीबत पड़ जाएगी। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे अच्छे तरह से ना जितनी मेरे से हो सक रहा है वो मैं कर रही हूँ कोशिश। और वैसे यहाँ पे ना मैं अब सर्च करूँगी ऑनलाइन या किसी स्टोर पे मैं गई और मुझे नज़र पड़ी कि जो आगे से राउंड टिप वाले ब्रशेज़ होते हैं ना वो मैं अब लेकर आऊँगी ताकि और अच्छी तरीके से ही नीट हो जाए। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने ये जो इसका स्ट्रेनिंग जो ये थे होल्डर्स ये भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं। और अब यहाँ पर मैं जनाब ये पानी लूँगी और जितने एरियाज़ में मैंने सर्फ लगाया है, ब्रशेस लगाए हैं, ये मैं अच्छी तरह से जनाब ये देखें साफ़ कर लूँगी। और अब ये देखें, इस तरह से आप पानी वगैरह डालते जाएं और ये बहुत ही अच्छे साफ़ हो जाएंगे। इसका रिज़ल्ट आपको एंड में नज़र आएगा कि वाकई में कुछ फ़र्क नज़र आएगा आपको, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और जनाब यहाँ पर पानी भी डाल दिया है और ये देखें मेरे सिंक की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे आप टैब देख लें, उसके हैंडल को देख लें, उसके पाइप्स को देख लें, सिंक को देख लें, सिंक के अंदर ड्रेनिंग वाला एरिया देख लें, हर चीज़ परफेक्टली नीट और क्लीन है जनाब। और ये देखें मज़ा आ गया इसको वॉश करके, तो आपने इसका फ़र्क भी देख लिया होगा बज़ाहिरी। और आई होप कि आपको इस वीडियो से यकीनन फ़ायदा होगा। ये जिस तरह से मैंने डीप क्लीनिंग की है सेम इसी तरह से आप भी करके देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा जनाब। तो व्यूअर्स ये देखिए जी, मैंने अपना किचन सारा क्लियर कर लिया है,
मैंने सारी डिश वॉशिंग भी हो गई है, बर्तन यहाँ लगा दिए हैं और शेल्फ भी मैंने क्लियर कर दी हैं, और मैंने अपने लिए नाश्ता भी रेडी कर लिया जी। कॉफ़ी बनाई है साथ बॉयल एग, और इसी के साथ साथ ये देखें जी, मैं आपको लाउंज भी दिखाऊं। ये देखें जी, लाउंज भी मेरा माशाल्लाह सारा क्लियर हो गया है, ठीक है। और जितने कपड़े थे ना जो भी ड्राई नहीं हुए थे, वो मैंने यहाँ एक जगह पे फैला दिए सारे, ये देखें जी। और ये मैंने फ़ैन चला दिया ताकि ये ड्राई हो जाएं, ऑलमोस्ट हो गए होंगे अब तक तो इनको मैं तय भी कर लूँगी। और ये भी देखें, बस अब मुझे अपनी हेल्पर का वेट है, तो वो इंशाल्लाह आएगी तो बाकी काम वो करेगी। तो चलें जनाब, मैं ज़रा अब ब्रेकफास्ट कर लूँ, ठीक है जी। ये देखें जो मैंने रेडी किया है, तो चलें जनाब मेरा ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो जनाब यहाँ पे 11 बज चुके हैं और मैं बस अब वेट कर रही हूँ अपनी बेटियों का, क्योंकि वो आने वाली हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों से हो चुकी हूँ सारे, बस मैं भी फ़्रेश नहीं हुई कि ज़रा मैं बच्चों को ज़रा अटेंड कर लूँ, रिसीव कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं भी फ़्रेश हो जाऊँगी। और ये देखें, ये भी मोहतरम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, और आज ज़ैनब भी सारा रामीन के साथ आ जाएगी और मैं बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और ये देखें जी जनाब, आपको दिखा दूँ यहाँ की भी मैंने शीट चेंज कर दी थी जैसी मैंने नीचे लगाई थी, आप लोगों को सुबह मैंने दिखाया था। और यहाँ पे भी ये देखें, सारी सफाई वगैरह हो चुकी है। और ये मैंने अपने कपड़े भी प्रेस करके यहाँ पे रख दिए हैं कि अभी मैं फ़्रेश होंगी, ज़रा बच्चियाँ आ लें। और किचन भी मेरा ऑल क्लियर है जनाब, और बस सिर्फ बच्चियों का ही वेट है, किसी भी टाइम आ जाएंगी। तो चलें जी, उनका ज़रा वेट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, मुझे बच्चियों के रिक्शे की आवाज़ आ गई है, यहाँ से हम खोलते हैं दरवाज़ा और बच्चियों को करते हैं जनाब रिसीव। देखते हैं जी पहले कौन आता है। अस्सलाम वालेकुम, अरे आज आप पहले आई हो। हाँ जी बेटा जी, पेपर कैसा हुआ है? 90+ मार्क्स आए। अस्सलाम वालेकुम, आज आप पीछे रह गई हो सबसे एंड में। सारा बहुत बुरी बात है। आज आज सैनब, मेरी बेटी का टेस्ट कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है कि बहुत अच्छा हुआ है? सेंटर सेंटर। अच्छा चलो बैग दे दो मुझे। और ये देखो, ये पागल हो रहा है, ये लो, खुश हो रहा है ना, करो पीछे पड़ जाएगा सैनब आपके। उठ जाओ सैनब, मैं कह रही हूँ सैनब उठ जाओ, भाग जाओ भाग जाओ, बेड पे सोफे पे चले जाओ। हाँ रामीन प्लीज। अच्छा रामीन एक मिनट, मुझे पहले बताओ पेपर कैसा हुआ है? रामीन मेरे प्लीज देख। हाँ पता नहीं इसका मतलब शिट हुआ। क्या मतलब अच्छा नहीं हुआ? रामीन रामीन सीरियसली? रामीन 200 पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं आपको। रामीन वाकई सच में बहुत बुरा हुआ। कैसे बुरा कैसे हुआ है? आपकी तैयारी तो झूठ बोल रही है, अब तो मैं मान ही नहीं सकती। इसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है इसलिए। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मुझे याद नहीं आया था, मैं अपनी दोस्त से पूछ लिया। हाँ चले जी जनाब, मैं जरा इनका और पेपर की डिटेल पूछती हूँ। बेटा आपका तो पेपर नहीं, टेस्ट ना, आपका तो कोई टेंशन नहीं, बाद में देख लूंगी आपको। ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं है आपका, तो मैं ठहर के भी देख लूंगी। यहाँ पे 6:15 हो रहे हैं, और ये देखे मेरी सबसे पढ़ाकू बेटी यहाँ पे बैठी हुई है। ओह साइड आइज। और जनाब ये तैयारी कर रही है टेस्ट की, और इसके कल 2 टेस्ट हैं। ये मुझे लिखे, ये मैं लिखूंगी, टीचर मुझे लिखा होगा। ये बताओ कि वाहिद जमा है आपके टेस्ट? ये वाहिद जमा है मेरे, और ये मैं करूंगी। आप वाहिद जमा का टेस्ट है, ठीक है जी। और ये मोहतरमा यहाँ स्टडी कर रही है फुल टाइम। हाँ इंग्लिश का भी है जी इसका। और जनाब अभी भी ये जो है स्नैकिंग वो करके बैठी है, इसने मेरे से फ्राइज बनवाए थे वो खाए हैं। डन हो गया। चलो मैं भी, मुझे रजिस्टर पकड़ाओ मैं आपको दूँ। और ये देखिए जी यहाँ पे एक तो आपको बॉल नजर आ रहा है, ये भी रामीन खा के उठी है, और सारा भी इधर ही फिर रही है, नूडल्स ही ठूसते रहते हैं। और ये यहाँ पे इधर ही फिर रही है क्योंकि इसकी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है हाफ तैयारी हो गई है। हाँ
एक्चुअली मैंने हमारे ना इंग्लिश ए का, मेरा इंग्लिश ए का पेपर है. इंग्लिश ए के पेपर में सेंटेंसेस ही सेंटेंसेस होते हैं, तो खुद ही हमने लिखे होते हैं. तो सेंटेंसेस मुझे दोनों टर्म्स के आते हैं, सेंटेंसेस मुझे दोनों टर्म्स के आते हैं. एक टर्म के मैंने क्वेश्चन आंसर्स याद करनी है, फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, एक बार रिवाइज करना है, और बुक और वर्क बुक है जो मुझे आती है. और अमीन आपकी तैयारी कैसी है? अमीन बात करने के मूड में नहीं है, तो चलें जनाब बस अपनी रूटीन में बच्चों को तैयारी शैयारी करवाते हैं और देखते हैं कि कितनी तैयारी हुई है. जनाब यहाँ पे एक तो चिप्स खुलने लगा है, खुल नहीं रहा. ओ जो कि खोल लिया है. मेरे और... दिमाग में से एक बात आई है, मतलब देखते हैं मम्मा के व्यूवर व्यू नहीं सब्सक्राइबर्स जो है व्यूवर्स व्यूवर्स वही कि क्या वो लड़खड़ाने वाली जुबान होगी कि क्या वो मम्मा को रिप्लाई करते हैं या नहीं, मतलब मुझे रिप्लाई करते हैं नहीं. तो आप लोगों ने ना ये बताना है कि आप लोगों का फेवरेट लेस का ओ लेस का फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, लेस का फेवरेट फ्लेवर कौन सा. फिर मैं दो तीन बंदों को अपनी मर्जी से शॉर्ट आउट दूंगी जो मम्मा फिर उनके नाम बोल के उनका फ्लेवर बोलेंगी, जो उनको पसंद होगा वो मेरी मर्जी से. तो जो मेरे फैंस हैं वही, जो मेरे फैंस हैं ना वही रिप्लाई करेंगे. हाँ जी चलें जी व्यूअर्स आपको समझ आ गई है कि वो ये कहना चाह रही है कि जी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं व्यूअर्स हैं उनको किसको यानी कि लेस के कौन सा वाला फ्लेवर पसंद है तो वो आप बताएंगे, तो ये फिर उनके नाम जो है शाउट आउट करेगी. ठीक है जी चलें. सो व्यूअर्स खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था और टीवी शीवी भी ज़रा देख लिया, तो अब बस मैं आ गई थी अपने रूम में और ये देखेंगे यहाँ पे मोहतरमा ज़ैनब लेटी हुई है, जो यहाँ से वो टीवी देखा जा रहा है. और ये भी देखें यहाँ पे एक नवाबजादे, ये देखें ये भी लेटे हुए हमारे साथ ही. और इस वाले बेड में बहुत मज़ा आता है. आपको इस वाले बेड में बहुत मज़ा आता है? यस. और ये देखो ये भी मज़ा लेने के लिए आ गया, ये कितना होशियार है. अच्छा क्या बहुत सॉफ्ट है और मैं इस पे खुले होके सोना इस तरह के. तो आपका तो बल्कि वो जो है बेड वो भी न्यू है, आपका बेड का मैट्रेस भी न्यू है, आपको तो वहाँ पे ज्यादा मजा आता है. सारा की जगह पे चला जाता है मैं इस तरह के कर लूं. ये क्या बात हुई, तो मिलके सोना होता ना. वैसे जो हमें डैडी वैसे जो हमने कार था डैडी ने वो नहीं बनाया, वो वैसा नहीं बना. चलो और नेक्स्ट टाइम जैसा आप चाह रही हो वैसा बन जाएगा. ठीक है अब मैं एक बात कहूँ. हाँ कहो. पूछा था आपसे एक दिन. हाँ? जब बन रहा था ना हमारा बेड तो मैंने पूछा था ये जो हमने कहा वही वाला बन रहा है. हाँ? तो आपने कहा था नहीं ये वाला बन रहा है. चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी पसंद वाला बनवा लेंगे. ठीक है तो मुझे अपना अकेले का रूम. चलो ठीक है इंशाल्लाह आपका अकेले का रूम भी बन जाएगा. ठीक है जी. सो व्यूअर्स यहाँ पे तो ये जो बच्ची है इसकी तो पता नहीं कौन सी डिमांडें स्टार्ट हो गई हैं. ठीक है जी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी फरमाए. और जैसे मम्मा वीडियो स्टडी करती है तो मैं साथ ही हूं. हेलो बाकी मैं साथ ये जब मम्मा कैमरा ऑन करती है. चले जी साथ साथ बोंगियां भी स्टार्ट हो गई हैं. और ये देखे जी ये यहाँ कितने मजे से लेटा पड़ा. चलो मैक्स चलो आए मैक्स. चले जनाब आज की नहीं करो ज़ैनब बत्ते बिजी होती है. सो व्यूअर्स आज के लिए बस इतना ही और आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब लाजमी कर दें. इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.